हेलो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। यानी समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, समास जो शब्द है वो दो शब्दों के संयोग से बना है। फ्रेंड्स, तो दो शब्द कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, समास जो है दो शब्दों से बना है। पहला है सम और दूसरा है आस। फ्रेंड्स, सम का अर्थ होता है पास, या फिर आप समीप इसको बोल सकते हो, नज़दीक भी बोल सकते हो। और आस का मतलब होता है बैठना, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि शब्दों को पास पास लाके बैठाना, जो समास का ये अर्थ हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, या आप इसे संक्षिप्त भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, इनके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे विग्रह ना होगा, यहाँ पे समास का विलोम शब्द है वो होगा व्यास। अगर विग्रह की बात आए तो फ्रेंड्स, विग्रह जो है वो संधि का विलोम शब्द होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। समास के विलोम शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द होता है व्यास। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को फ्रेंड्स, समास की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। यानी दोनों शब्द के जो सार्थक अर्थ है वो भी निकलने चाहिए, तभी जो है समास कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समास की परिभाषा पढ़ ली, समास का विलोम शब्द क्या होता है उसको पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, समास के भेद बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शब्द बता रही हूँ जो आपने समास में देखे होंगे। फिर मैं आपको जब भी आपको बोलूँ कि इस समास के अंदर पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, तो आपके मन में कोई डाउट ना हो कि ये पहला पद क्या होता है या फिर उत्तर पद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इनको देख लेते हैं कि पहला पद है वो क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा एक समस्त पद, दूसरा आपने सुना होगा पूर्व पद, तीसरा आपने सुना होगा उत्तर पद, और एक आपने सुना होगा समास विग्रह। फ्रेंड्स, समस्त पद का मतलब है कि जो समास विधि से बना नया शब्द है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, हमने लिखा यहाँ पे रसोई घर। तो फ्रेंड्स, ये जो उदाहरण है ये दो शब्दों के मेल से बना है, इसका मतलब ये हुआ समस्त पद यानी कि समास की विधि से बना है। अगर हम इसके अंदर पूर्व पद की बात करें तो जो हमारा समस्त पद है इसका जो पहला शब्द होगा ये होगा पूर्व पद, और जो उत्तर पद होता है ये समस्त पद का दूसरा पद है, ये वाला घर, ये जो है उत्तर पद कहलाता है। अगर हम बात करें कि समास विग्रह क्या होता है, तो फ्रेंड्स समास विग्रह है समस्त पद को विस्तृत रूप में या फिर इसको फैलाकर लिखना, समास विग्रह कहलाता है। जैसे इसको हमने यहाँ पे लिखा रसोई के लिए घर, यानी कि समस्त पद को हमने पूरा फैला के लिखा, तो ये हमारा कहलाया समास विग्रह। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं, ताकि आपको ये मन में कोई डाउट नहीं हो कि ये उत्तर पद क्या होगा
या फिर पूर्व पद क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ते हैं समास के भेद। फ्रेंड्स समास के भेद आप सभी ने पढ़े होंगे। कोई कहता है कि समास के चार भेद होते हैं, कोई कहता है कि समास के छह भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर, अगर पदों की प्रधानता के आधार पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि समास के कितने भेद है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा यहाँ पे चार प्रकार के। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि हिंदी में समास के कुल कितने भेद है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा छः। अभी पदों की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से है समास, उनके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर पहला आता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा फ्रेंड्स इसके अंदर आता है तत्पुरुष समास, और तीसरा इसके अंदर फ्रेंड्स आता है द्वंद्व समास। और चौथा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स ये जो है आपने चार जो है यहाँ पे नाम देखे है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये जो है ये पदों की प्रधानता के आधार पर होते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास होते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा चार प्रकार के। फिर कौन कौन से होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये अव्ययी भाव समास है, इसके अंदर होता है प्रथम पद प्रधान, या फिर आप इसे बोल सकते हो पूर्व पद प्रधान। फिर फ्रेंड्स आता है तत्पुरुष समास, इसकी जो पहचान होती है इसके अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है ये वाला, या फिर आप इसे बोल सकते हो उत्तर पद प्रधान। फिर फ्रेंड्स बात आती है द्वंद्व समास की, तो इसके अंदर फ्रेंड्स प्रथम और द्वितीय दोनों पद होते हैं प्रधान। प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। फिर बात आती है बहुव्रीहि समास की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो है प्रथम और द्वितीय पद अप्रधान होते हैं फ्रेंड्स, यानी आप इसे बोल सकते हो गौण होते हैं, नहीं तीसरे का अर्थ निकलता हो इनके अलावा। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास होते हैं उनको पढ़ा, और आगे रहे दो समास फ्रेंड, उनको जो है तत्पुरुष के अंदर रखा गया है, क्योंकि इनकी जो परिभाषा होती है तीनों की वो थोड़ी सेम होती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इनको रखा गया है, ये आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ द्विगु समास, और दूसरा होता है फ्रेंड्स कर्मधारय समास। फ्रेंड्स द्विगु समास में क्या होता है कि इसका भी दूसरा पद है वो प्रधान होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसका प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है। और जो कर्मधारय समास है फ्रेंड्स इसके अंदर भी द्वितीय पद तो प्रधान होता है, लेकिन जो पहला पद होता है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है, यानी प्रथम जो पद है वो तो आपका होगा उपमान, और जो द्वितीय पद होगा वो होगा आपका उपमेय। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये देखा कि समास के कितने भेद है, पदों की प्रधानता के आधार पर क्वेश्चन किया जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर कुल पूछे तो आपका आंसर छः होगा। तो फ्रेंड्स अभी है हम अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। फ्रेंड्स पहला समास है इसके बारे में हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर इसका जो है प्रथम शब्द है वो क्या होता है प्रधान होता है, एक पहचान तो इसकी ये हुई कि इसका प्रथम, या आप इसे पूर्व शब्द भी बोल सकते हो पूर्व पद, प्रथम
या फिर पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। और दूसरी इसकी परिभाषा हुई फ्रेंड्स कि यह इसका प्रथम पद है, वो अव्यय के रूप में होता है। फ्रेंड्स अव्यय का मतलब होता है, इसे आप अविकारी बोल सकते हो, जिसके अंदर काल लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन न हो। और फ्रेंड्स तीसरी इसकी पहचान है वो हुई कि इसका प्रथम पद है वो उपसर्ग के रूप में हो सकता है। उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, जैसे प्रति है, अ है, नी है, बहुत सारे होते हैं। और इसकी चौथी पहचान हुई फ्रेंड्स कि शब्द की पुनरावृत्ति के रूप में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो पहचान है कैसे आप कर सकते हो वो हमने देखा। और मोस्टली जो अव्ययीभाव बात समास होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने ऐसे नाम देखा होगा, यथा है या फिर प्रति है, अ है, आ है, नी है, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि अव्ययीभाव बात समास कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम उदाहरण के अकॉर्डिंग इनको समझते हैं। तो फ्रेंड्स पहला उदाहरण आपके पास से यहाँ पे है, पहला उदाहरण आपके पास है फ्रेंड्स आमरण। तो इसके अंदर आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि आ है, इसका उपसर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा समास हुआ, ये हुआ अव्ययीभाव बात समास। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा मरण तक। दूसरा फ्रेंड्स इसका उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा एक भरपेट। तो इसके अंदर भी इसके जो उपसर्ग है इसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर भर क्या है, उपसर्ग है। तो ये कौन सा समास हुआ, अव्ययीभाव बात समास। तो फ्रेंड्स इसका समास विग्रह होगा पेट भर के। ऐसे फ्रेंड बहुत सारे उदाहरण है, आपने ऐसे देखा होगा यथाशक्ति, यानी कि इसके द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये अव्ययीभाव बात समास है, यानी कि शक्ति के अनुसार। और आपने ऐसे भी सुना होगा यथा अर्थ, यानी अर्थ के अनुसार। और एक आपने शब्द इसके अंदर फ्रेंड्स देखा है कि शब्द की पुनरावृत्ति। तो इसके उदाहरण कैसे आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे है आप, यानी कि शब्द की पुनः आवृत्ति हो रही है। तो फ्रेंड्स इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा कि आप ही आप। फिर आपने दूसरा उदाहरण हम लेते हैं इसका, आपने सुना होगा यहाँ पे पल पल। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक पल। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ। तो ऐसे अगर शब्द आपको दिखे जिसके अंदर शब्द की पुनः आवृत्ति हो तो फ्रेंड्स वो आपका होगा अव्ययीभाव बात समास। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमने पूरा पढ़ा अव्ययीभाव बात समास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे जो भी समास है उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।